आपको सर्दियों में खाई जाने वाली ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। इसे हम बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाएंगे, वो भी घर में रखे हुए ड्राई फ्रूट के साथ। और आप सभी को तो पता ही है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, आयरन पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए तो फायदेमंद होते ही है और अनेक रोगों में भी हमारे बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, नजला, जुखाम, माइग्रेन, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, और ये हमारे दिमाग को भी बहुत ज्यादा तेज करते हैं। इसीलिए हमें सर्दियों में इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। चलिए देर न करते हुए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये हमने सभी ड्राई फ्रूट 50-50 ग्राम लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। ये हमने 400 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 250 ग्राम देसी खांड। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप इसकी जगह बूरा या पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो मिश्री को पीस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ग्राम देसी घी। चलिए पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट भुनेंगे, इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देते हैं। आप इस पंजीरी को देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि देसी घी की बनी हुई पंजीरी खाने में भी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। अब हम घी को गर्म होने देते हैं। अब घी गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे। गोंद को लगातार चलाते हुए भुनेंगे, जिससे कि गोंद जले ना। आप देख पा रहे हैं गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगा है। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे, जिससे कि गोंद अंदर तक अच्छे से भुन के तैयार हो। अगर हम तेज फ्लेम पे गोंद को भुनेंगे तो गोंद जल सकता है, अगर हम गोंद को स्लो फ्लेम पे भुनेंगे तो गोंद अच्छे से भुनेगा नहीं। अब ये गोंद भुन गया है, आप देख पा रहे कितना फूल गया है। अब हम गोंद को निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा गोंद और डाल देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। अब ये गोंद भी भुन गया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सभी गोंद को भून के तैयार कर लेंगे। अब ये हमने सभी गोंद भून के तैयार कर लिया है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हम गोंद को दबा रहे हैं तो इजिली ये टूट रहा है, बस हमें इसी टाइप का भुना हुआ गोंद चाहिए। अब जो कढ़ाई में घी बचा है, अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर बादाम डाल देते हैं। बादाम को हम लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। फ्लेम को हमने स्लो मीडियम कर दिया है, हमें सभी ड्राई फ्रूट को स्लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, जिससे कि ये ड्राई फ्रूट जले ना। अब ये बादाम भी भुनने, अब हम बादामों को निकाल लेते हैं। आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद है। ये हमने बादामों को निकाल लिया है, अब हम इसमें काजू डाल देते हैं। काजुओं को भी लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। काजू बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाते हैं। सभी ड्राई फ्रूटों को लगातार चलाते हुए भूनना है। अब ये काजू भी भुन गए, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये हमने काजुओं को भी निकाल लिया है, अब हम घी में अखरोट डाल देते हैं। अखरोटों को भी इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। अब ये अखरोट भी भुन गए, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये हमने अखरोटों को भी निकाल लिया है, अब हम इसके अंदर मगज के बीज डाल देते हैं। बीजों को भी लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। अब ये बीज भी भुन गए हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये हमने बीजों को भी निकाल लिया है, अब हम इसके अंदर सूखा नारियल डाल देते हैं, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। खसखस, इसे पपी सीड भी बोलते हैं, इसे भी डाल देते हैं। दोनों चीजों को लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। अब ये खसखस और नारियल भी भुन गया है, हल्के गोल्डन कलर का हो गया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमने खसखस और नारियल को भी निकाल लिया है, अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल देते हैं।
अब हम किशमिश को भी घी में डाल करके हल्का सा भून लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है। हमें किशमिश को स्लो फ्लेम पे ही भूनना है जिससे कि ये जले ना। अब ये किशमिश भी भून गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमने किशमिश को भी निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा है, अब हम इसमें मखाने डाल देते हैं। मखानों को भी लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। फ्लेम को हमने स्लो मीडियम कर दिया है। अब ये मखाने भून गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए मैं मखाने को तोड़ रही हूँ तो इजिली टूट रहे हैं। देखिए बस हमें इसी टाइप के भुने हुए मखाने चाहिए। अब हम मखानों को भी निकाल लेते हैं। ये हमने सभी मखाने निकाल लिए हैं। अब हम इसी कढ़ाई में आटे को डाल देते हैं। अब जो घी बचा था उस घी को भी हम आटे में डाल देते हैं। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस आटे को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक भुनेंगे। इस आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि आटा तली में ना लगे। इस आटे को भूनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अब ये आटा भी भुन गया है, बस हमें इसी टाइप का भुना हुआ आटा चाहिए। हमने इस आटे को स्लो मीडियम फ्लेम पे भुना है। हम आटे को जितना स्लो मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे आटा उतना ही अच्छा भुन के तैयार होगा। इसको भुनने में 10 मिनट का टाइम लगा है। आटे को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी भून सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आटा बिल्कुल ठीक है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, आटे को हल्का ठंडा होने देते हैं। जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। अब ये सभी ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं। अब हम गोंद को इस कटोरी से हल्का सा क्रश कर लेते हैं। हमें इस तरीके से क्रश करना है। हमें इस गोंद को मिक्सी से नहीं पीसना। अगर हम गोंद को मिक्सी से पीसेंगे तो गोंद एकदम महीन पीस जाएगा, फिर वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। अगर हम इस तरीके से कटोरी से इसके पीस करेंगे तो जो गोंद का छोटे छोटे पीसेस मुंह में आएंगे तो गोंद खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये पंजीरी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस पंजीरी को सर्दियों में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये पंजीरी बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये पंजीरी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। ये हमने गोंद को क्रश कर लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट बचे हैं उनको हम मिक्सी में डाल करके दरदरा पीस लेते हैं। इसमें से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। जो हमने आटा भुना था वो भी ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर गोंद डाल देते हैं। मखाने इसे भी हमने दरदरा मिक्सी से पीस लिया है, वो भी डाल देते हैं। जो ड्राई फ्रूट भुने थे वो भी हमने मिक्सी से दरदरे पीस लिए, वो भी डाल देते हैं। पंजीरी में खुशबू अच्छी आई और पंजीरी खाने में टेस्टी लगे, इसके लिए हमने ये 5 से 6 छोटी इलायची ली है, उसे हमने पीस लिया है, वो भी डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर देसी खांड डालेंगे। देसी खांड आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर कद्दूकस करके गुड़ भी डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ की जो पंजीरी होती है वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसके अंदर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पंजीरी को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया पंजीरी बनके तैयार हुई है। ये पंजीरी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी कितना आसान है, झट से बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो टेस्टी लगती है। आप इस पंजीरी को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, आप इसे न्यू बेबी मम को भी खिला सकते हैं, उनको भी ये पंजीरी बहुत ज्यादा फायदा करेगी। आप इस पंजीरी को सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ 2 बड़े चम्मच खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा। आप इस पंजीरी को एयर टाइट डिब्बे में भर के 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं, और जब भी आपकी खाने की इच्छा है आप इसे निकाल करके खा सकते हैं। आप इस पंजीरी को सुबह शाम जरूर खाएं, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये पंजीरी कितनी फायदा करती है।
आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। इसके लिए अब हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देते, थोड़े से काजू, मखाने, थोड़ी सी किशमिश। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।